हाँ बेटा। ये देखो। हाँ बेटा देख रही हूँ। क्या है? देख लिया मैंने, बस। चैन से मुझे फोन भी नहीं देखने देते। मम्मा मम्मा मेरे होमवर्क में हेल्प करो ना। मम्मा आप सुन क्यों नहीं ले हो? किसकी किसकी सुनूं मैं? आप मेरे हेल्प कर दो ना। बेटा अभी मैं बिजी हूँ, आप जाओ ठीक है? तो मैं किससे कहूँ? किसे भी कहो पर मुझे मत कहो ठीक है? सुबह से घर का काम करो और फ्री टाइम में भी इन्हीं को देखो, मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं है। करिश्मा चल हम बाहर घूमने चलते हैं। नहीं मुझे नहीं आना। नहीं आना? क्या करेगी घर पे रह के? चल घूम के आते हैं। दोनों बच्चों को लेके घूमना मुझसे नहीं होगा। मैं संभाल लूंगा दोनों को, चल। मुझे आप अकेला छोड़ दो और आप अकेले घूमने चले जाओ ठीक है? तुझे तो बोलना ही बेकार है। हे भगवान अब मैं क्या करूं? दोनों बच्चों को संभालना, इनकी सेवा में लगना, काश काश कि मेरे दोनों बच्चे बड़े होते, फिर तो वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। और बचे ये भी किसी बड़े टूर पे चले जाते, फिर तो मैं आराम से जो चाहे वो कर पाती, अकेले रहती मजे करती। पर ऐसा पता नहीं कब होगा। अरे वो लड़का कौन है? और ये लड़की मेरे घर में क्या कर रही है? अरे सुनो कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? क्या माँ, मैं आपकी बेटी काव्या हूँ। आपकी भूलने की बीमारी भी पता नहीं कब ठीक होगी। भूलने की बीमारी? काव्या? पर वो तो सिर्फ 6 साल की है। दीदी बाहर आपकी फ्रेंड आई है, कब से बुला रही है, जाओ। अच्छा मैं जाती हूँ। दीदी अरे रुको, कौन हो तुम? अरे माँ मैं आपका बेटा सूरज। लगता है आज आपने दवाई फिर से टाइम पे नहीं खाई इसलिए भूले जा रहे हो। सूरज ये क्या हो रहा है? मेरे दोनों बच्चे पलक झपकते बड़े कैसे हो गए? वो कहाँ गए? कहाँ गए ये? अरे ये इनकी फोटो पे माला क्यों लगी है? माँ पापा को गए तो कई साल हो गए इसलिए। क्या? ये क्या हो गया? भगवान जी ये पलक झपकते सब कुछ इतना बदल कैसे गया? तुम ही तो चाहती थी कि तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएं और तुम्हारे पति किसी लंबे टूर पर चले जाएं, तो मैंने तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दी, अब तो तुम खुश। काश काश कि मेरे दोनों बच्चे बड़े होते, फिर तो वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। और बच्चे ये भी किसी बड़े टूर पे चले जाते, फिर तो मैं आराम से जो चाहे वो कर पाती, अकेले रहती मजे करती। बेटा देखो मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है, टेस्ट करके बताओ। अरे बेटा सुनो मैं कुछ कह रही हूँ।
सूरज बेटा। माँ बस कितना चिल्लाओगे, बस दो मिनट तो चैन से बैठने दो। पर बेटा नाश्ता। लो ले लिए नाश्ता, आप खुश। क्या है, देख लिया मैंने बस। अरे काव्य बेटा, ये सुई में धागा नहीं जा रहा है, तू जरा मुझे पिरो के दे तो, मेरे चश्मे पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए, ये ले। काव्य बेटा ये ले, सुई में धागा पिरो दे मुझे। काव्य सुन, क्यों नहीं सुन रही है? क्या है माँ, आपको दिख नहीं रहा कि मैं जरूरी काम कर रही हूँ? प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर मैं किसे कहूं? किसे भी कहो पर मुझे मत कहो, डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। तो मैं किसे कहूं? किसे भी कहो पर मुझे मत कहो, ठीक है? अब कहाँ चले गए? देखो मैं कितनी अकेली हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? मैंने मेरे अनमोल दिन गवा दिए, मेरे बच्चों का बचपन, मेरे पति, सब कहाँ चले गए? मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। क्यों, तुम ही तो यही चाहती थी कि कोई तुम्हें परेशान ना करे, तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दे। तो देखो अब तुम बिल्कुल अकेली हो, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, अब तुम जो चाहो वो करो। हाँ माँ, अब तो आप खुश, अब आप बिल्कुल अकेले हो, जो चाहे वो कर सकते हो। हाँ माँ, अब हम बड़े हो गए, अब हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ माँ, अब तुम भी तो यही चाहती थी कि कोई तुम्हें परेशान ना करे, तुम बिल्कुल अकेला छोड़ दे। हाँ माँ, अब हम बड़े हो गए, अकेले हो, कभी परेशान नहीं करेंगे। नहीं, क्या हुआ मम्मा, अब चिल्ला क्यों? हाँ क्या हुआ, तुम क्यों चिल्लाई? यानी कि सपना था? क्या हुआ? बुरा सपना देखा था मैंने। हम घूमने नहीं जा रहे, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, हम चलते हैं दोनों बच्चों के साथ, ठीक है? हाँ ठीक है। और बच्चों तुम दोनों वहां क्यों खड़े हो, आओ मेरे पास आ जाओ। भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये सिर्फ एक सपना ही था, अब से मैं बस अपनी फैमिली के साथ ही वक्त बिताऊंगी, क्योंकि ये वाला पल फिर से नहीं लौटेगा।